नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यपाल सिंह बलोदा आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था खाद व उर्वरक और उर्वरकों की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है दोस्तों। तो अब अपन बात कर रहे थे कि जो जैव उर्वरक के पहले अपन ने पढ़ा था कि उर्वरकों की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर उर्वरकों की मात्रा ज्ञात करने का जो न्यूमेरिकल था वो नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके या हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है? वे उर्वरक जिनमें पोषक तत्व है, वे उर्वरक जिनमें पोषक तत्व जीवित जीवाणुओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं, वे उर्वरक जिनमें पोषक तत्व जीवित जीवाणुओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं उसे जैव उर्वरक कहते हैं। अब बात करेंगे कि जैव उर्वरकों में लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु जैसे बैक्टीरिया, फफूंद व नील हरित शैवाल आदि का कल्चर प्रयोग करते हैं, यह भी बात ध्यान रखना। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि जैव उर्वरक विकास केंद्र। जैव उर्वरक विकास केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो गाजियाबाद यूपी में स्थित है। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है, तो गाजियाबाद यूपी में स्थित है। फिर इसके बाद बात करेंगे कि जैव उर्वरकों के वर्गीकरण की, तो इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, तो नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक और दूसरा फास्फोरस विलयित जैव उर्वरक। इससे पहले अपन सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक। अब नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरकों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर एक है मुक्त जीवी। नंबर एक क्या है? मुक्त जीवी, जिसे अपन फ्री लिविंग भी बोलते हैं। अब मुक्त जीवी को अपन दो भागों में विभाजित करेंगे, एक तो वायवीय जीवाणु और दूसरा अवायवीय जीवाणु, एरोबिक एंड अनएरोबिक बैक्टीरिया। जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अपन वायवीय जीवाणु एरोबिक बैक्टीरिया में, तो आएगा क्वेश्चन आपके कैसे आएगा कि निम्न में से वायवीय जीवाणु का उदाहरण है, तो क्या आएगा? एजेटोबैक्टर। और अवायवीय जीवाणु का उदाहरण है तो क्या आएगा? क्लोस्ट्रीडियम। तो यहाँ दोस्तों बात करते हैं एजेटोबैक्टर। यह गेहूं जो मक्का कपास व सब्जियों आदि फसलों में काम में लेते हैं। गेहूं जो मक्का कपास व सब्जियों की खेती के लिए कौन सा जैव उर्वरक काम में लेते हैं? तो एजेटोबैक्टर काम में लेते हैं। और यह 5 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। 5 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और नेक्स्ट बात करेंगे अपन अवायवीय जीवाणु की, अनैरोबिक बैक्टीरिया की, तो इसका उदाहरण क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। और कितने पीएच पर? 5.0 से 9.0 पीएच मान पर कार्य करता है। अब यहाँ देखेंगे क्लोस्ट्रीडियम के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है। क्लोस्ट्रीडियम आम की फसल में काम में लेते हैं कल्चर। अब जैसे यहाँ पीएच 5.0 से 9 की बात की, तो यहाँ भी अपन बात कर लेंगे 6.5 से 8.0 पीएच मान पर कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये तो देखो अब मुक्त जीवी फ्री लिविंग नंबर एक की बात हो गई, जिसमें वायवीय और अवायवीय जीवाणु है। वायवीय जीवाणु में एजेटोबैक्टर है और अवायवीय में क्लोस्ट्रीडियम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो मैं भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे सहजीवी जीवाणु, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक। तो सहजीवी जीवाणु का उदाहरण क्या होगा? एजोस्पर्म। और एजोस्पर्म कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है? तो ज्वार, बाजरा और गन्ना की फसल के लिए उपयुक्त है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट अपन नंबर तीन बात करेंगे, तो नंबर तीन क्या होगा? तीसरे उदाहरण की बात करें थे यहाँ पे, जिसमें सहजीवी स्थिरीकरण जीवाणु। इससे पहले सहजीवी जीवाणु पढ़ा सिम्बायोटिक फिक्सेशन, अब यहाँ पढ़ेंगे सिम्बायोटिक फिक्सेशन बैक्टीरिया। सहजीवी जीवाणु एसोसिएटिव सिम्बायोटिक के बाद में पढ़ेंगे सिम्बायोटिक फिक्सेशन बैक्टीरिया, जिसमें सहजीवी जीवाणु का उदाहरण क्या होगा? सहजीवी स्थिरीकरण जीवाणु का उदाहरण क्या होगा? गांठयुक्त। ये दो प्रकार के होंगे, एक तो गांठयुक्त और एक दूसरा बिना गांठ, नोड्यूल फार्मिंग और नॉन नोड्यूल फार्मिंग। तो सबसे पहले गांठयुक्त की बात करेंगे, गांठयुक्त में क्या आएगा? राइजोबियम। अब राइजोबियम यह दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है राइजोबियम। इसमें एक हेक्टेयर में 200 ग्राम के 3 पैकेट काम में लेते हैं। एक हेक्टेयर में 200 ग्राम के 3 पैकेट, तो कितने ग्राम हो गया यहाँ पे? कितना ग्राम हो गया? 600 ग्राम। एक हेक्टेयर में 600 ग्राम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक पैकेट का वजन भी पूछ लिया जाता है। तो राइजोबियम कल्चर के एक पैकेट का वजन कितना होता है? 200 ग्राम। और कितने पैकेट काम में लेते हैं? 3 पैकेट, तो कितना ग्राम हो गया? 600 ग्राम। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि राइजोबियम जो है वो दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है। तो जनरली मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अपन दलहनी फसलों में मूंग, मोठ, उड़द, चावला,
या जैसे चना, अगर इनका इनको अगर अपन खेत में जाके उखाड़ के देखते हैं तो इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, काले काले रंग की छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, और वो गांठ ही राइजोबियम है, कल्चर मतलब छोटी छोटी गांठें वही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है वायुमंडल से। जो छोटी छोटी गांठें वो जीवाणु है, और जीवाणु वो जीवाणु ही नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है वायुमंडल से। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे राइजोबियम दलहन फसलों के लिए उपयुक्त है और एक हेक्टेयर में 600 ग्राम और 1 ग्राम एक हेक्टेयर में 200 ग्राम के 3 पैकेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे राइजोबियम की प्रजाति में, यहाँ राइजोबियम मेलियोटी, राइजोबियम मेलियोटी स्पीसीज कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है, तो मेथी रिजका और सेंजी, मेथी रिजका और सेंजी, राइजोबियम मेलियोटी, मेथी रिजका और सेंजी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे राइजोबियम ट्राइफोलाई, तो बरसीम के लिए, बरसीम के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट राइजोबियम लेग्यूमिनेसियम, तो मटर और मसूर के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट राइजोबियम फेसियोलाई, तो सेम और राजमा के लिए उपयुक्त है। और नेक्स्ट राइजोबियम जापोनिकम, सोयाबीन, चावला, मूंगफली और सनई, राइजोबियम जापोनिकम, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सोयाबीन, मूंगफली, चावला, सनई के लिए उपयुक्त है। और लास्ट है राइजोबियम लुपिनी, जो लुपिन फसल के लिए उपयुक्त है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे राइजोबियम फेसियोलाई के लिए सेम और राजमा आया, सेम जैसे डोलिकस लबलब इसका बोटनिकल नेम होता है। अब यहाँ राजमा की बात करेंगे, तो राजमा दलहनी फसलों में एक ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है वायुमंडल से। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दलहनी फसलों में कौन सी ऐसी फसल है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, तो वो कौन सी फसल है, राजमा। ठीक है दोस्तों, तो ये राइजोबियम स्पीसीज का ये जो 5-6 प्रकार है, मेलिलोटी, ट्राइफोलाई, लेग्यूमिनेसियम, फेसियोली, जापोनिकम और लुपिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और अच्छे से याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे एक तो गया गांठी युक्त, अब दूसरा है जो बिना गांठी वाला है, सहजीवी स्थिरीकरण नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु में बिना गांठी वाला जीवाणु, विदाउट नोड्यूल फॉर्मिंग, जिसमें नील हरिष्य वाला आएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था, गांठी युक्त में राइजोबियम, जो मैंने बताया कि दलहनी फसलों में छोटी छोटी काली काली गांठें पाई जाती हैं, वो जीवाणु है और वो वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अब बिना गांठों वाले में नील हरिष्य वाला आएगा, जिसे अपन ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए। इसका जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका एक हेक्टेयर में 8-12 किलोग्राम प्रयोग करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी एक हेक्टेयर में 8-12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के बाद, बुआई के कितने दिन बाद, 7 दिन बाद, बुआई अर्थात रोपाई के 7 दिन बाद प्रयोग करते हैं। अब ब्लू ग्रीन एल्गी है वो चावल की फसल के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी को पानी की अधिक आवश्यकता होती है, मतलब कितने सेंटीमीटर पानी में, 8-10 सेंटीमीटर पानी में ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं। और पानी में कौन सी फसल है, वो होगी धान की फसल, तो धान की फसल के 7 दिन, रोपाई के 7 दिन बाद ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं। और 8-12 किलोग्राम तो प्रयोग करेंगे, और 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, प्रति हेक्टेयर 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। तो ये तो हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इसकी जो प्रजातियां हैं, एनाबिना, नॉस्टॉक, साइटोनिया और ऑसिलेटोरिया। ये एनाबिना, नॉस्टॉक, साइटोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, एनाबिना, नॉस्टॉक, साइटोनिया और ऑसिलेटोरिया। तो ये हो गया बिना गांठों वाला जो राइजोबियम का, जो सॉरी बिना गांठों वाला जो जीवाणु है, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरिष्य वाल है, 8-12 किलोग्राम प्रयोग करेंगे, रोपाई के 7 दिन बाद करेंगे, और 8-10 सेंटीमीटर पानी में, जिससे अपने को 25-30 किलोग्राम प्रति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, जिसमें स्पीसीज है एनाबिना, नॉस्टॉक, साइटोनिया और ऑसिलेटोरिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन, इस बिना गांठों वालों में दूसरा आएगा वो है, अब इसके बाद में जो दूसरा है एजुला, एजुला भी क्या है, ये एक जलीय फर्न है। जो नंबर एक था वो था नील हरिष्य वाल बिना गांठों वालों में, नंबर दो है एजुला। अब एजुला के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि एजुला क्या है, तो एजुला एक जलीय फर्न है। यह प्रतिदिन 1-1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, प्रतिदिन 1-1.5 किलोग्राम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण प्रति हेक्टेयर करता है एक दिन में। ठीक है,
फिर इसके बाद में जो इसकी स्पीसीज है एजोला पिनाटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजोला की स्पीसीज प्रजाति कौन सी है, तो वो क्या होगी, एजोला पिनाटा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन ये ऊपर वाला पूछा जाता है, एजोला क्या है, तो एजोला एक जलीय फर्न है। अब इसके बाद में नेक्स्ट, अब नंबर दो बात करेंगे, नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक हो गया, अब नंबर दो बात करेंगे फास्फोरस युक्त जैव उर्वरक। अब जो नंबर दो बात करें थे फास्फेट जैव उर्वरक, जैव विलेय उर्वरक में, इसमें नंबर एक होगा, इसे फास्फोरस जो जैव विलेय उर्वरक है इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें नंबर एक है फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया, फास्फोरस सोल्युबल बैक्टीरिया, जिसका उदाहरण जैसे बात करेंगे बेसिलस, सुडोमोनास, पॉलीमिक्सा और मेगाथीरियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया का उदाहरण है, तो फास्फोरस घोलक बैक्टीरिया में बेसिलस, सुडोमोनास, पॉलीमिक्सा और मेगाथीरियम आएगा। ये बेसिलस, सुडोमोनास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट अपन नंबर दो बात करेंगे फास्फोरस घोलक फफूंद, फास्फोरस सोल्युबल फंगस की। फास्फोरस सोल्युबल फंगस में बात करेंगे, फास्फोरस सोल्युबल फंगस में बात होगी वो इसकी स्पीसीज है एस्परजिलस अवामोरी। ये फास्फोरस घोलक फफूंद है फंगस, इसका उदाहरण होगा एस्परजिलस अवामोरी और दूसरा होगा एस्परजिलस कैंडिडस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्परजिलस अवामोरी और एस्परजिलस कैंडिडस, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए अच्छे से याद रखना। अब नंबर तीन बात करेंगे वो है, तो नेक्स्ट फास्फोरस घोलक एक्टिनोमाइसिटीज में बात कर रहे थे, फास्फोरस घोलक एक्टिनोमाइसिटीज का उदाहरण होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीसीज। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीसीज के बारे में नेक्स्ट बात करते हैं माइकोराइजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा एक फफूंद बोले तो कवक है, जिसमें ये वैस्कुलर एबोस्मर VAM, इसका पूरा नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि VAM का पूरा नाम, तो VAM वैस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा इसका पूरा नाम है, वैस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। यहां माइकोराइजा क्या है, एक कवक है, फफूंद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली फसलें हैं, जो सबसे ज्यादा कौन सी फसल वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण फसलों द्वारा स्थिर की गई नाइट्रोजन की मात्रा में सबसे पहले बात करेंगे अपन रिजका, दूसरा सेंजी, तीसरा सनई, ढेचा, गवार, बरसीम, लोबिया और मूंग। यहाँ सबसे पहले बात करेंगे रिजका, जिसे अपन लूसेंट भी बोलते हैं, यहाँ पे लूसेंट सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, कितना करता है, 194 से 251 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करेंगे दूसरा सेंजी, वो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेचा 69 किलोग्राम 69 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, गवार 56 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बरसीम 54 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बरसीम 54 किलोग्राम, लोबिया 50 और मूंग 35 किलोग्राम। यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सी फसल करती है, तो रिजका करती है, नंबर एक क्वेश्चन ये बन गया। फिर इसके बाद में जो क्वेश्चन पूछते हैं या तो सनई का या ढेंचा का पूछते हैं, तो सनई 75 किलोग्राम और ढेंचा 69 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। अब दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं जैव उर्वरकों में एक तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का रेशियो, और दूसरा जो है कि भाई नाइट्रोजन में जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्रेट बनने का जो भी सर्कल है, और उसमें जो भी कल्चर प्रयोग होता है या जो जीवाणु प्रयोग करते हैं वो कौन सा है, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। हाँ, तो दोस्तों कार्बन नाइट्रोजन अनुपात में यहाँ देखेंगे कि ह्यूमस, ह्यूमस में जो कार्बन नाइट्रोजन CN अनुपात होता है वो कितना होता है, ह्यूमस में 10:1 होता है, सामान्य मृदा का 12:1 होता है, और सूक्ष्म जीवों का 4:9 या 4:1 से 9:1, यहाँ ऐसे बोल सकते हैं कि 4:9:1 इसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। और नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे गोबर की खाद में जो CNH रेशियो है वो 20:1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोबर की खाद में CN अनुपात, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना है, तो 20:1 होगा। अब इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमोनिया NH3 अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट NO2- नाइट्राइट
अमोनिया से नाइट्रेट, जो नाइट्राइट बनता है इसमें किसका प्रयोग होता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास द्वारा अमोनिया से नाइट्राइट का बदलना और नाइट्राइट से नाइट्राइट से नाइट्रेट NO3 जो माइनस है इसके लिए नाइट्रोबैक्टर काम है। अमोनिया से नाइट्राइट में बदलेगी नाइट्रोसोमोनास, तो नाइट्रोसोमोनास के बाद में बात करेंगे अमोनिया से तो नाइट्राइट, इसके लिए नाइट्रोसोमोनास हुआ और नाइट्राइट के बाद में नाइट्राइट से नाइट्रेट अगर बन रहा है, नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने के लिए नाइट्रोबैक्टर काम में आता है। अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रोसोमोनास और नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर काम में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। इसी के साथ अपना ये जैव उर्वरक का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई लाइन नहीं समझ में आती है दोस्तों, तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देके पूछ सकते हैं। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।